नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है करण अर्जुन और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करण अर्जुन राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और निर्मित 1995 की हिंदी भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, राखी गुलजार, काजोल और ममता कुलकर्णी ने मुख्य भूमिका निभाई है। अमरीश पुरी मुख्य प्रतिम पक्षी की भूमिका निभाते हैं, जबकि रानी रानी लीबर और जयक गोंड, रंजीत और आसिफ शेख सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म दो टाइटैनिक भाइयों की कहानियों गीत गीत घूमती है, जो अपने पिता की हत्या के लिए अपने लालची चाचा के से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उसके दादा मारे जाने से और बदला पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। करण अर्जुन भारत में 13 जनवरी 2025 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई फिल्म को निर्देशकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 450 बिलियन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद ये दशक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र एमबीए की छात्र है, जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर, विकलंग भाई शिव, चतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है, क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पेटल, जयप्रीत विष्णु कपूर जेज की बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अगले दरवाजे पर नहीं चले जाते, तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपनी उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंकिंग को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीतीय बोझ का कम कर दे, उनका नैना और खुश जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है कि कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए, इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई देती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजाय अपने से प्यार करते हैं।
हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई, वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे भी छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित के साथ है लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की मां कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई का पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जो के बताया कि उसने बेटे का अविवाह पर मंद का था। जिया और हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें खोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है, जब जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मौल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी, जिसमें अमन साहिल होता है, जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर है और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी गुर्गा सिंह के रूप में, काजल सुनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो त्रिपोती के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सी प्रद्युंदी सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शौक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में, और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता लीला, अरुण चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी, राजस्थान डांसर के रूप में किशोर संचाली, जागीर अहमद बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटवाल, अजय के शराबी पिता जयरानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिग डोंग डिंग डोंग गान जॉन गिब्रियल पीटर के रूप में, कोशिश के रूप में बीएस हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल जगन्नाथ, धनश्याम होता है आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, बनशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में रोहन अपने पिता की ये सहायता की उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। इन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। रेस्तरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया के लिए MBSP BGCB ने BDB कमान के भी रिलीज किया गया था। इसमें YouTube के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रारंभ रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन के पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गेंद्र सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी उजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर विकलंग भाई शिव चतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल और जयप्रीत रस्तू कपूर जेज की बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अगले दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की यो बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे। उनका नैना और खुश रहने के लिए
जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित के साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के लिए उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की मां कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भव्य लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जू को बताया कि उसने बेटे का विवाह पर अनुमति का था। जिया और हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमानने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के समर्थन जेनिफर ने पति की आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है, जब जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इलाज नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी, जिसमें अमन साहिल होता है, जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोती के रूप में जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, अजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराफ बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में, और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जय खोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता लीला अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरिका गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संजाली जागीर अमित बिंदिया का प्रेमी, सुरेश पटकाल अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिग डोंग डिंग डोंग जॉन गिब्रियल पीटर के रूप में, कोशिश के रूप में बीएस हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल जगन्नाथ, धनश्याम होता आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वनशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से पार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्म ने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म का चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलगाव जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। उस्तरा पुलिस के उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया के लिए बीएसपी बीसीबी ने बीडीबी कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रारंभ रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गा सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन के बेरम से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी उजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र एमबीए की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जेनिफर, विकलांग भाई शिव, चेतक बहन प्रिया की दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है अपने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पेटल, जयप्रीत विष्णु कपूर जेज की बहन, जब तक अमरश माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ उतले दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीतियों बोझ का कम कर दे उनका और कुछ
उनके जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है, ये कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फ़ोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे भी छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिर उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अपन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई के पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जो के बताया कि उसने बेटे का विवाह पर बंध का था। जिया और रोहित हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के समर्थन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेते। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना न प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है, जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया और एक भावनात्मक उन्माद के मौल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश जाता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी गुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोती के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन के बेटे के रूप में, अशोक शराफ बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में, और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नाहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लालपेट के साथ ज्योता लीला, अरुण चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी, राजस्थान डांसर के रूप में किशोर संजाली, जाहिर अहमद बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटवाल, अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिंग डोंग गान जॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में विनेश हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल जगन्नाथ, धनश्याम रोहतांशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में, बब्बन लाल यादव
वंशती बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ सहयात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सहमत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की यह सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्माने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। इस्तोला पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल देल वाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए BSP BCB ने BDB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें YouTube के अलावा ब्लू रे डिट या बाद में मीडिया प्रारंभ रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गेंद्र सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर, विकलंग भाई शिव, जब तक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है अपने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल, जयप्रीत मिस्त्री कपूर जेज की बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अपने दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की वो बैंकिंग को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीतियों बोझ का कम कर दे उनका नैना और खुश रहने की
प्रिय जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उसे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी पिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे पिछवाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिर उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अपन और रोहित की मां कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद अपने लज्जो के बताया कि उसने बेटे का विवाह पर बंद कर था। जिया और हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के समर्थन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षर अभय का परिचय देती है, जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मौन छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश कहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर है और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगो त्रिपोदी के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रद्युम्न सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में और उसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक होंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नाहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता इला अरुण, चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संचाली जाहिर अमित बिंदिया का प्रेमी, सुरेश पटकाल अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, जॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में विनेश हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल जगन्नाथ, घनश्याम ग्रहोदय आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वंशती बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से, अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की यह सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। आधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलगाव जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भानगार है। दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। भुवनेश्वरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए बीएसपी बीसीबी ने बीडीबी कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रमुख भी रिलीज किया देखा था। राजस्थान के बेगी गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गा सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और अर्जुन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही देवबिंदु के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नयना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जेनिफर, विकलांग भाई शिव, चेतक बहन प्रिया की दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पेटल जयप्रीत मिस्त्री कपूर जेज उनकी बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ मतलब दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खाने से मुक्त और छायादार होता है। अपनी माँ खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंकिंग को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका नैना और खुश के लिए
के जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है, ये कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फ़ोन करने बताता है कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे बिछपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच या को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जू को बताया कि उसने बेटे का विवाह पर मन का था। जिया और जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के समर्थन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है, जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया और एक भावनात्मक उन्माद के मौल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश से मिलना कहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझते हैं कि कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी, जिसमें अमन साहिल होता है, जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पूरी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोति के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रदिंद सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शौक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराफ बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में, और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद पकड़पुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लालपेट के साथ ज्योता लीला अरुण, चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संजाली जागीर अमित बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटवाल, अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीम खान, डिंग डोंग जॉन गिब्रियल पीटर के रूप में, कोशिश के रूप में विनेश हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल जगन्नाथ, घनश्याम आशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वंशती बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक पात्र के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्म ने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें अजमेर के पास पुष्कर में स्थिति है। इसरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए MBSP BGCB ने BDB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे गिफ्ट या बाद में मीडिया प्रारंभ भी रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्राम सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गेंद्र सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों का पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही देवबिंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर, विकलंग भाई शिव, चेतक बहन प्रिया की दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल और जयप्रीत विष्णु कपूर जेज की बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अतले दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की यो बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीत बोझ का कम कर दे उनका नैना और खुश के लिए
ये जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है, ये कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फ़ोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी पिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे भी छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती हैं और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अपन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया और को लेकर भव्य लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जो के बताया कि उसने बेटे का विवाह बल्ब मंगा था। जिया और उत्पन्न हुआ। जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने की इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बाने के समर्थन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता है। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षर अभय का परिचय देती है, जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मौल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बता दी है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश जाता है। पूछताछ के उनसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी गुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोती के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में, शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता लीला, अरुण चुप चुप के गाने में सुनहरी का गलवानी, राजस्थान डांसर के रूप में किशोर संचाली, जागीर अहमद बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटकाल, अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिग डोंग डिंग डोंग गान जॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में बीएस हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनिज्म के रूप में अनिल जगन्नाथ, धनुष्याम होता आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वनशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ से सहयात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। इन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गांव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भांगना भानगार है, दुर्गा मंदिर जहाँ करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। जीवन अजमेर के पास पुष्कर में स्थिति है। इस तरह पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए BSP BGCB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे गिफ्ट या बाद में मीडिया प्रारंभ रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गेंद्र सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और अर्जुन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस लाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जेनिफर, विकलंग भाई शिव, चेतक बहन रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेफियर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेफियर के पति और नैना के पिता ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल, जयप्रीत विष्णु कपूर जेज की बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ उन्हें दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से मुक्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की जो बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की उसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका
जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई उनकी है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है लेकिन उसे भी छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो इनकी बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सीए उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद अपने लज्जो के बताया कि उसने बेटे का विवाह पर बंद का था। जिया और उत्पन्न हुआ। जब जिया को जैविक मां के उन्हें अपमान के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षर अभय का परिचय देती है जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सुनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो त्रिपोदी के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, संजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अदुलजन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोख सूरज सिंह सोनिया पूर्व मुंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराफ बादल मुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नाहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ था इला अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरी का गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संचाली जागरू अमित बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटवाल, अजय के शराबी पिता जगानी सिंघाई के रूप में, हाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, बिग डोंग डिंग डोंग गान गंभीर पीटर के रूप में, कौशिक के रूप में, बी एस हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजम के रूप में, अनिल रघुनाथ, धनश्याम रोहता, आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वंशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, बादल ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शख्स यात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की यह सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्माने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। सोला पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए बीएसपी बीजीपी ने बीडीबी कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे गिफ्ट या बाद में मीडिया प्रामाणिक रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन के पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गन सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति हिरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस लाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद भारी हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41 फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर, विकलंग भाई शिव, चेतक बहन रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पेटल, जयप्रीत मिस्तूर कपूर जेज की बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अपने दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने बीमार खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंकी को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका नैना और खुश
दिनचर्या जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है कि कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसने उसे पिछपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ है लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिर उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई का पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें जो के बताया कि उसने बेटे का अभिवाह पर मंद का था। जिया और रोहित हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमानने की इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है जब जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावना तक मात के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश कहता है पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पन इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वो उसे समझते हैं की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन शामिल होता है जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सुनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दग्गन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो त्रिपोदी के रूप में, जयलीवर विजय का सबसे अच्छा दो, संजीत सिंह प्रदीन की सक्सेना सोनिया के पिता के अभिजन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ सोख सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जय कुंड दुर्गन के साला, अर्जुन दुर्गन के साले के नाहर के रूप में, गोविंद प्रबरपुर सुरकार सुरासमोह के रूप में, लाल पेट के साथ योद्धा इला अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरी का गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संचाली जाहिर अहमद बिल्लिया का प्रेमी सुरेश पटवाल, अजय के शराबी पिता जयराधी सिंघानी के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिग डोंग डिंग डोंग डॉन गंडियाल पीटर के रूप में, उपोषक के रूप में बिनेश हिंगू, राजकिशोर शुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल रघुनाथ, घनश्याम रोहता, आशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव वंशक्ति बसंत की विशेष उपस्थिति दीपा भला राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ से सख यात्रा के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से पार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की यह सहायता की उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। इन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गांव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है। दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं जीवन अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। उसरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल देलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान काजल और अमरीश पुरी ने थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए MBSP BGCB ने VDB कमान के भी रिलीज किया गया था। इसमें YouTube के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रामुख भी रिलीज किया देखा था। राजस्थान के बेगी गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रहम सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने जाते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के बेटे रिश्तेदार दुर्लभ सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्गन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमत्कारिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्गन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के गोविंद अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद भारी हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक थी। 1995 में दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे की बात ये थी दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त है जो 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर विकलंग भाई शिव चतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल जयप्रीत मिस्त्री कपूर जेज की बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अगले दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की वो बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका
अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई रही है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी पिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे बीच पाने का फैसला किया है क्योंकि वो इनकी बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। पिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर रख रहे। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और गनीफर के बीच किया और को लेकर भव्य लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई से पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें बच्चों को बताया कि उसने बेटे का विवाह पर मिलता था। जिया और जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमानने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें को ले गया। अपराध बंधे से ऊपर बाने के प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुना कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन के दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। नैना का सामना पिया से एक जनरल स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अभय का परिचय देती है, जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मौत छोड़ देता है। पिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पन इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी, जिसमें अमन साहिल होता है, जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय जौहरी भूमिका अर्जुन सिंह, विजय के रूप में शाहरुख खान, दौरी भूमिका राखी गुडगा सिंह के रूप में, काजल सिन्हा सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी, ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगो त्रिपोदी के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराफ बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में, शमशेर सिंह के रूप में, जय कुंड दुर्गन के साला, अर्जुन दुर्गन के साले के नाहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लालपेट के साथ उपयोगता इला अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरी का गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संचाली जागी समझ बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटवाल, अजय के शराबी पिता जधानी सिंघानी के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिग डोंग डिंग डोंग गान गिम्बियाल पीटर के रूप में, कोशे के रूप में बीएस हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजम के रूप में अनिल रघुनाथ, घनश्याम रोहता आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वनशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति बादल ढला, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ के शख्स यात्रों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए फिशर की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म का चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँवों से एक जिसका नाम भावना भानगार है, दुर्गा मंदिर, जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। जिन्हें अजमेर के पास पुष्कर में स्थिति है। इसकोला पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्गन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल देर वाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होममीडिया फिल्म को होममीडिया के लिए NDSP BGCB ने BDB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रमुख रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रहम सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के बेटे रिश्तेदार दुर्गन सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्गन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस लाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अभी के हैं लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहाँ उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उनसे शादी दुर्गा के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के गो अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद भारी हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिल वाले दुनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए। दो पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर विकलंग भाई शिव चतक बहन जिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेफियर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेफियर के पति और नैना के पिता है आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी वही कटल कपूर जेज की बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अपने दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खाने से गुप्त और छाका होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की जो बैंक को खराब भारतीय रिश्तेदार में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका
अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रही भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित कहती है कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई दी है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताता है कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित के साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सीए उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अपन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और गनीफर के बीच को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और गनीफर की आपत्तियों के बावजूद ने लज्जू को बताया कि उसने बेटे का विवाह पर मन का था। जिया और हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें खोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बाने के प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेते। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन के दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए उनके प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश जाता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सुनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोती के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अदुर्जन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में, शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नाहर के रूप में, गोविंद पोकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता लीला, अरुण चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी, राजस्थान डांसर के रूप में किशोर संचाली, जागीर अमित बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटकाल, अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिग डोंग डिंग डोंग गान डॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में विजय सिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजम के रूप में अनिल रघुनाथ, धनश्याम आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बब्बन लाल यादव, बंशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से बाहर हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की यह सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्माने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलगाव जिले में, गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। इसरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए MBSP BGCB ने BDB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें YouTube के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्राम भी रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गन सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकौतिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे की बात ये दशक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर, विकलंग भाई शिव, चेतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल और जयप्रीत विष्णु कपूर जेज की बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अगले दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंकिंग को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका
रहना और खुश रहने के लिए जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है ये कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई रहती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फ़ोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है लेकिन उसे भी छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के लिए उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अपन और रोहित की माँ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई की पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जू को बताया कि उसने बेटे का अविवाह पर बुनमन का था। जिया और जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमानने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के समर्थन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का समाना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है जब जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वो उसे समझते हैं की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर है और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दिग्विजय सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो त्रिपोती के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रतिनिधि सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोख सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराफ बादलमुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता इला, अरुण चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी, राजस्थान डांसर के रूप में किशोर संचाली, जागीर अमित बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटकाल, अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिंग डोंग जॉन गिब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में विजय सिंह, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल रघुनाथ, घनश्याम आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वनशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ से सख्त यात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समर नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से पार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के संभवत आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की यह सहायता की उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है, दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। इसरा पुलिस के उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए बीएसपी बीजीबी ने बीडीबी कमान के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रामर्क रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्गन सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्गन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनकी बेटी वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उसे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही देवेंद्र के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के को अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर विकलंग भाई शिव चतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पटेल जयप्रीत विष्णु कपूर जेज की बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अगले दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपनी उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की जो बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीतियों बोझ का कम कर दे उनका नैना और खुश
अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है, ये कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजाय अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फ़ोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की मां कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जो और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई के पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जो को बताया कि उसने बेटे का विवाह पर मंद का था। जिया और हुआ जब जिया को जैविक मां के उन्हें अपमानने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के समर्थन जेनिफर ने पति की आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेता। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है, जब जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मौल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी, जिसमें अमन साहिल होता है, जल्द ही होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर है और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोनी के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी गुडगा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोति के रूप में जॉनी लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रदेन्द्र सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक सराफ बादल मुखी और सूर्यमुखी के रूप में, और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता इला अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरिका गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संचाली जागीर अहमद बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटकाल, अजय के शराबी पिता के रहानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीम खान, डिग डोंग डिंग डोंग गान जॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में विनेश हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनिज्म के रूप में अनिल जगन्नाथ, धनुष्याम रोहित आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, वंशवती बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से पार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्म ने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलगाव जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है। दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। इसरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल देल वाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होममीडिया फिल्म को होममीडिया के लिए MBSP BGCB ने BDB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें यूट्यूब के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रारंभ रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रहम सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के देखे रिश्तेदार दुर्गेंद्र सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने रखने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों का पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही देवबिंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के गो अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात ये दशक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जेनिफर, विकलंग भाई शिव, चेतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता है ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पेटल और जयप्रीत विष्णु कपूर जेज उनकी बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ मतलब दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने उम्र खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की यो बैंक को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीतियों बोझ का कम कर दे उनका नैना और खुश
लिए जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है कि कुछ ऐसा है जो उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजाय अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे बिछपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती हैं और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच या को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है, जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई का पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जो के बताया कि उसने बेटे का विवाह पर मन का था। जिया और रोहित हुआ जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें गोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने का प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेते। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है, जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है, जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश रोहित से मिलना चाहता है। पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं, जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी, जिसमें अमन साहिल होता है, जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है, लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं, जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी गुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो प्रतिपोती के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रतिनिधि सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, आसिफ शोक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादल मुखी और सूर्यमुखी के रूप में, और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जैक कोंड दुर्जन के साला, अर्जुन दुर्जन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता लीला, अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरिका गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संचाली जाकिर अमित बिंदिया का प्रेमी, सुरेश पटकाल अजय के शराबी पिता के रानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, डिंग डोंग गान जॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोस्टर के रूप में विनेश हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनिज्म के रूप में अनिल रघुनाथ, धनश्याम रोहित आशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बब्बन लाल यादव, वंशति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढला, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन सहमत नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से पार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के सम्मत हुए। आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। फिल्माने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म की चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलगाव जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है। दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर के पास पुष्कर में स्थिति है। इसरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिसमें शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए MBSP BGCB ने BDB कमांड के भी रिलीज किया गया था। इसमें YouTube के अलावा ब्लू रे डिप्ट या बाद में मीडिया प्रारंभ की रिलीज किया देखा था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण और अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजूसी दुर्गा से बात करने के आते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के रिश्तेदार दुर्जन सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और दुर्जन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरम से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनुजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अभी के है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है। सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद बाधित हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड टीम में से एक उभरी 1995 में दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे की बात ये दशक की छोटी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए। दो पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर, विकलंग भाई शिव, चेतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता ने आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल और जयप्रीत मिस्तु कपूर जेज उनकी बहन, जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अपने दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से गुप्त और छायादार होता है। अपने बीमार खुश मिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंकी को खराब भारतीय रिश्तेदार में बदलने की इसका सफलता उनके विपरीतीय बोझ का कम कर दे उनका
जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाता है और अपनी भावनाओं के व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है कि कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई देती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने ही बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। वो जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे बीच पाने का फैसला किया है क्योंकि वो इनकी बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित के साथ है जाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जैसे रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डांटती निकालती है और नैना के लिए उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और जेनिफर के बीच किया को लेकर भावी लड़ाई हो जाती है जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई के पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें लज्जू को बताया कि उसके बेटे का अविवाह पर मुद्दा था। जिया और जब जिया को जैविक माँ के उन्हें अपमाने की इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें वो दे लिया। अपराध बंधे से ऊपर पाने के प्रवर्तन जेनिफर ने खुद ही आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुना कर ले तो अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी माँ को पता चलता है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षय अभय का परिचय देती है जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावना तक मौत के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश कहता है पूछताछ के उसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पद इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उससे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका, अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका, राखी दुर्गा सिंह के रूप में, काजल सोनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी, ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगो त्रिपोदी के रूप में, जॉन लीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त, रंजीत सिंह प्रद्युम्न सक्सेना सोनिया के पिता के, अर्जुन के अपराध क्रांति के रूप में, आसिफ शौख सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादल मुखी और सूर्यमुखी के रूप में और उसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जय कुंड दुर्गन के साला, अर्जुन दुर्गन के साले के नहर के रूप में, गोविंद प्रकरपुर सुरकार शिलासमो के रूप में, लाल पेट के साथ ज्योता इला, अरुण चुप चुप के गाने में सुनहरिका गलवानी, राजस्थान डांसर के रूप में किशोर संचाली, जागीर अमित बिंदिया का प्रेमी सुरेश पटकाल, अजय के शराबी पिता जयरानी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीम खान, डिग डोंग डिंग डोंग गान डॉन गिब्रियल पीटर के रूप में, कोशिक के रूप में विनेश हिंगू, राजकिशोर शुक्ल के रूप में, फाइट ऑर्गेनिज्म के रूप में अनिल रघुनाथ, घनश्याम रोहता आंशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में, बब्बन लाल यादव
वंशक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ शीर्षक यात्रियों के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से हार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म खेलने के संभवत हुए आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म का चित्रण किया गया गाँव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भागना भानगार है। दुर्गा मंदिर जहां करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं जिन्हें अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। इस तरह पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्गन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल देर वाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 500 करोड़ की कमाई की। होम मीडिया फिल्म को होम मीडिया के लिए NDSP BGCB ने BDB कमान के भी रिलीज किया गया था। इसमें YouTube के अलावा ब्लू रे गिफ्ट या बाद में मीडिया प्रामुख भी रिलीज किया गया था। राजस्थान के एक गांव में दुर्गा सिंह एक गरीब महिला अपने दो प्यारे बेटे करण अर्जुन की पालती हैं। जब ठाकुर संग्रह सिंह के मंजू सिंह दुर्गा से बात करने जाते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पति ठाकुर के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी की थी। ठाकुर के देखे रिश्तेदार दुर्गेन सिंह से दुर्गा के पति को ठाकुर की संपत्ति विरासत में ले लेने के लिए उसे या उसके परिवार को मार डाला। ये जानने के बाद कि ठाकुर ने करण और अर्जुन की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई और अर्जुन ने ठाकुर को मार डाला उससे पहले कि वो अपने बहनोई नाहर और शमशेर के साथ करण और अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी। दुर्गा अपने पुत्रों को वापस बुलाने के लिए देवी काली की पूजा करती है। चमकातिक रूप से दुर्गा की प्रार्थना सुनी जाती है और दानों को पुनर्जन्म होता है लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग होता है जो अपने पिछले जन्म के अनजान होते हैं। दुर्गा इस चमत्कार से अनभिज्ञ है लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके बेटे वापस आएंगे। 20 साल बाद अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है जहां उसे धनी सोनिया सक्सेना से प्यार हो जाता है। वो भी उससे प्यार करती है लेकिन उससे शादी दुर्जन के बेटे सूरज से तय हो जाता है। करण का पुनर्जन्म भी विजय के रूप में होता है जिसका पूछा टॉम बर्ड्स प्रेमिका बिंदिया द्वारा किया जाता है जो जल्द ही गोविंद के लिए काम पर करता है। सोनिया के पिता अर्जुन के अवैध हथियार व्यापार व्यवसाय के भागीदार ये जानकर कि सोनिया विजय के प्यार करती है सूरज उसे मारने का प्रयास करता है लेकिन विजय उस पर हमला कर देता है। विजय को मारने के लिए अजय को भेजा जाता है। लड़ना शुरू कर देते हैं जो अचानक उनके बीच बिजली गिरने के बाद भारी हो जाते हैं। ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड फिल्म में से एक उभरी। 1995 में इन वाले दुनिया ले जाएंगे की बात ये थी दशक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक, रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए। दो पुरस्कार जीते सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन नैना कैथरीन कपूर एक निराशावादी उग्र MBA की छात्र है जो न्यूयॉर्क शहर में अपनी विधवा माँ जॉनिफियर विकलंग भाई शिव चतक बहन प्रिया के दादी जलजो के साथ रहती है। जेनिफर अपने पड़ोसी जयविंदर जेज कपूर के साथ एक असफल कैफे चलाती है। जलजो जेनिफर और जिया के दुश्मनों को रखती है क्योंकि उसका मानना है कि जिया के गोद लेने के कारण उसके बेटे जेनिफर के पति और नैना के पिता आत्महत्या कर ली है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त उसका सहपाठी रोहित पैटल जयप्रीत दस्तूर कपूर जेज की बहन जब तक अमर माथुर और उसकी माँ अपने चाचा प्रीतम चाचा के साथ अपने दरवाजे पर नहीं चले जाते तब वो उसका जीवन अपने पिता के खोने से भुक्त और छायादार होता है। अपने मन खुशमिजाजी और धीरे धीरे नैना के परिवार पर हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उनकी समस्याओं को हल करने लगता है। जब उस सुझाव की बैंकिंग को खराब भारतीय रेस्तरा में बदलने की इसका सफलता उनके वित्तीय बोझ का कम कर दे उनका
जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसे उससे प्यार हो जाता है। रोहित भी नैना के प्यार में पड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अमन की मदद मांगते हैं। नैना रोहित से कहती है कि कुछ ऐसा है जो उसे उससे कहना चाहिए। इससे उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को दोहराई रहती है। नैना ने खुलासा किया कि वो उससे बजे अपने से प्यार करते हैं। हिला हुआ रोहित अमन को फोन करने बताते हैं कि क्या हुआ है। नैना अमन के घर जाते और अमन को और उनके पत्नी प्रिया के शादी से तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं। दिल टूट गया, वो चली गई। जो हुआ उसके बारे में अमन की माँ उससे सवाल करती है। वो कहता है कि वो नैना से प्यार करता है, लेकिन उसे छिपाने का फैसला किया है क्योंकि वो दिल की बीमारी में मर जाते हैं। वो वास्तव में शादीशुदा नहीं है। प्रिया उनकी बचपन की दोस्त और अंडर डॉक्टर है। मरने से पहले मरण और नैना और रोहित को साथ है लाने की कसम खाता है। उसका मानना है कि रोहित उससे बेहतर कर पाएंगे। वो नैना और रोहित के बंधन को बदलाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैना को उसकी योजना का पता चलता है। जाते रोहित के साथ उनकी दोस्ती की बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए अमन उनको डांटती है। अमन रोहित को डरती निकालती है और नैना के सिरे उनकी भावनाओं के स्वीकार करते हुए कहता है कि वे रोहित के हैं। नैना के अमन और रोहित की माफ कर दिया। रोहित नैना को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। लज्जू और गनीफर के बीच या को लेकर भव्य लड़ाई हो जाती है जो अमन को मदद के लिए बुलाती है। अमन को पहले जिया के माता पिता के बारे में सच्चाई के पता चलता था और जेनिफर की आपत्तियों के बावजूद उन्हें अज्जो को बताया कि उसने बेटे का विवाह पर अनुमति का था। जिया और जब जिया को जैविक मां के उन्हें अपमाने के इनकार कर दिया तो जेनिफर ने उन्हें खोद ले लिया। अपराध बंधे से ऊपर बांधने के प्रवर्तन जेनिफर ने पति के आत्महत्या कर ली। भावुक लज्जो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो जेनिफर और जिया के साथ सुलह कर लेते। अपने पिता की मौत का सच जानने के बाद नैना का अंत हो जाता है। नैना और रोहित की सच्चाई के दौरान अमन को दिल का दौरा पड़ा। केवल उसकी मां को पता चलता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैना का सामना ना प्रिया से एक ज्वेलरी स्टोर पर होता है जिस पर वो अमन की पत्नी के रूप में पहचानती है। वो अपना और अपने पति अक्षर अभय का परिचय देती है जो अमन के बारे में सच्चाई बताते हैं। इराद नैना को पता चलता है कि अमन ने उससे लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया है और एक भावनात्मक उन्माद के मॉल छोड़ देता है। प्रिया अमन को फोन करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। अमन अस्पताल छोड़ देता है और निराश जाता है। पूछताछ के उनसे और अमन को नैना से शादी क्यों नहीं करती चाहिए। अमन रोहित से आग्रह करता है और वो नैना को खुश देखने के लिए अगले मरणास्पन इच्छा के सम्मान के रूप में नैना से शादी करे। अमन नैना से मिलता है और वे गले मिलते हैं जबकि वो उसे समझने की कोशिश करता है कि वो सबसे प्यार नहीं करना। रोहित और नैना की शादी जिसमें अमन साहिल होता है जल्दी होती है। शादी के कुछ समय बाद अमन अपनी मृत्यु पर है और सभी को अलविदा कहता है। नैना के रोने के बाद कमरे में निकल जाते हैं। वो रोहित के साथ अकेले रह गया। अमन उसे दावा करता है कि हालांकि नैना इस जीवन में रोहित के साथ है लेकिन वो उसे अगले जीवन में प्राप्त करेगा। 20 साल बाद अगले उम्र की नैना पड़ी हो चुकी किया को बताती है कि कैसे अमन से उनकी जीवन के हर पहलू की प्रभावित किया। वे उसकी बेटी रिया और रोहित से जुड़ गए हैं जो नैना से कहता है कि वो उसे प्यार करता है क्योंकि वो उसे गले लगाते हैं। सलमान खान, करण सिंह, अजय दोहरी भूमिका अर्जुन सिंह विजय के रूप में, शाहरुख खान दोहरी भूमिका राखी गुर्गा सिंह के रूप में, काजल सुनिया सक्सेना के रूप में, ममता कुलकर्णी बिंदिया के रूप में, अमरीश पुरी ठाकुर दर्जन सिंह के रूप में, मुख्य प्रतिपक्षी लिंगियो त्रिपोती के रूप में, जनलीवर विजय का सबसे अच्छा दोस्त अजीत सिंह प्रतिनिधि सक्सेना सोनिया के पिता के अर्जुन के अपराध गांधी के रूप में, असित शोक सूरज सिंह सोनिया के पूर्व मंगेतर और अर्जुन की बेटे के रूप में, अशोक शराब बादल मुखी और सूर्यमुखी के रूप में और इसके रूप में शमशेर सिंह के रूप में, जय कुंड दुर्गम के साला अर्जुन दुर्गम के साले के नाहर के रूप में, गोविंद प्रकोरपुर सुरकार सिरासमो के रूप में, लाल पेट के साथ योद्धा लीला अरुण चुप चुप के गाने में, सुनहरी का गलवानी राजस्थान डांसर के रूप में, किशोर संगाली जागीर अमित बिंदिया का प्रेमी सुरेश कटकाल, अजय के शराबी पिता के रामी सिंघाई के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में सलीमा खान, बिग डोंग डिंग डोंग डॉन गैब्रियल पीटर के रूप में, पोषक के रूप में विजय हिंगू, राजकिशोर जुगल के रूप में, फाइट ऑर्गेनाइजर के रूप में अनिल जगन्नाथ, धनश्याम रोहित आशु वंशी के रूप में, दीपक शुक्ला के रूप में,
बबन लाल यादव, बन शक्ति बसंती, विशेष उपस्थिति, उत्पादन ढलाई, राकेश रोशन, मूल रूप से अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ यात्रा के रूप में फिल्म बनाया गया था। हालांकि दोनों उन्हें पेश की गई भूमिकाओं से अलग भूमिका निभाना चाहते थे। खान करण की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि देवगन अर्जुन की भूमिका निभाना चाहते हैं। रोशन समझ नहीं थे और परिणाम स्वरूप दोनों फिल्म से पार हो गए। लीड के लिए शीर्षक की अगली पसंद आमिर खान और सलमान खान थे जबकि सलमान फिल्म करने के संबंध हुए आमिर उसे नहीं कर सके। शाहरुख ने तब रोशन से कहा कि जब फिल्म करना चाहते थे इस प्रकार फिल्म की कास्टिंग उस समय के दो प्रमुख अभिनेताओं को सलमान खान और शाहरुख खान को पहली बार पर्दे पर एक साथ लाई। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में दौरान अपने पिता की ये सहायता की, उनकी पिछली फिल्मों में से उनकी सहायता की थी। इन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। अधिक विशेष रूप से फिल्म का चित्रण किया गया गांव राजस्थान अलवर जिले में गाँव में से एक जिसका नाम भावना भानगार है, दुर्गा मंदिर जहाँ करण अर्जुन गीत में प्रदर्शन करते हैं। अजमेर की पास पुष्कर में स्थिति है। उसरा पुलिस के एक उदयपुर ठाकुर दुर्गन सिंह के घर के रूप में किया जाता है। वह बॉक्स ऑफिस करण अर्जुन 25 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। केवल दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे से अगले आगे निकल गई जिससे शाहरुख खान, काजल और अमरीश पुरी में थी। दुनिया भर में करण अर्जुन 450 मिलियन की कमाई की। विदेशों में फिल्म 5 करोड़ की 50